हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली इम्पोस्टल का ट्रेलर अब सामने है सभी के, तो उस पर एक नजर डाल लेते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि इस फिल्म की स्टोरी मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बता दी थी कि असल में इम्पोस्टल फिल्म की स्टोरी क्या है और हमें क्या अलग देखने मिलने वाला है इस फिल्म में, लेकिन फिर भी ट्रेलर इस फिल्म का अब सामने है, तो अब इस ट्रेलर को देखकर हम रिव्यू कर लेते हैं कि ट्रेलर कैसा है, जिसे देखकर हमें ये अंदाजा हो जाएगा कि हमें ये फिल्म देखनी चाहिए या नहीं। वेल, तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें इस फिल्म के डायरेक्टर की, तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया है रोहित इवांस ने, जिन्होंने इसके पहले दी राइट फिल्म के दो पार्ट बनाए हैं और उनकी दिलचस्पी ज्यादातर तो वायलेंस फिल्मों में ही है और इम्पोस्टल उनमें से एक फिल्म है। ये दावा इस फिल्म के डायरेक्टर ने किया है कि आपको इस फिल्म को देखते वक्त जरा भी बोर नहीं होगा और ये फिल्म आपको काफी थ्रिल करेगी। और सच में ट्रेलर देखकर ऐसा ही लगता है कि ये फिल्म काफी ज्यादा थ्रिलिंग होने वाली है, क्योंकि एक ऐसा आइलैंड है जहाँ पर कुछ अंधविश्वास लोग रहते हैं और अगर इनके खिलाफ किसी ने बोलने की कोशिश की तो वो लोग उस इंसान या फिर उस औरत को मार देते हैं। यानी इन लोगों का मानना है कि धर्म से बढ़कर कुछ भी नहीं है, भले से ही उसमें अंधविश्वास क्यों ना छुपा हो। और साथ ही साथ इस ट्रेलर को देखकर ऐसा लगता है कि माइकल ने गांव वालों से कोई चीज छुपा रखी है। उसे देखकर फिलहाल तो ऐसा लगता है कि वो कोई शैतान है, क्योंकि जो बाकी मौत दिखाई गई है गांव वालों की, तो मुझे नहीं लगता कि ये काम किसी इंसानों का होगा। और सच में फिल्म का ट्रेलर काफी थ्रिल और सस्पेंस से भरा हुआ है, जिसमें हमें फिल्म की स्टोरी बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है। बस इतना ही समझ आ रहा है कि थॉमस अपनी बहन को यहाँ पर ढूंढने आया है किसी के खत भेजने के बाद। अब वो खत उसे किसने भेजा है, किस लिए भेजा है और उसे कैसे पता चला कि थॉमस कहाँ पर है, या फिर ये कोई ट्रैप था जहाँ पर थॉमस को फंसाने की कोशिश की जा रही है कि वो वापस अपने गाँव आ जाए, जिसके बाद उस पर कोई रिचुअल्स किए जाएंगे। अब इन सभी बातों का तो हमें इस फिल्म को देखने के बाद ही पता चलेगा। और वैसे बात करें इस फिल्म की रिलीज डेट की, तो फिल्म रिलीज होने के लिए अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है। ये फिल्म अगले महीने 12 तारीख को रिलीज हो जाएगी नेटफ्लिक्स पर, तो आप वेट कीजिए इस फिल्म का, क्योंकि मैं तो इस फिल्म के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और अब आप कितने ज्यादा एक्साइटेड है इस फिल्म के लिए, उस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अब जाते जाते मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं इस चैनल पर जब भी कोई अपडेट करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन बाय।